हर किसी को अपने पसंद का करियर चाहिए होता है, और यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आपको गाना गाने का शौक़ है, या फिर आपके दोस्तों ने कहा है कि आपकी आवाज़ बेहतर है, अच्छी है और आप एक सिंगर बन सकते हैं, तो आप एक करेक्ट वीडियो पे आए हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से सिंगर बन सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए यदि आप सिंगर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, जिनसे आपकी सिंगिंग लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके और आप लगातार ग्रो कर सकें। टोटल 10 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, तो इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से ज़रूर समझिएगा एक सिंगर बनने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका एक आइडल होना चाहिए अगर आप इंडस्ट्री में रन करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। अब आइडल से मेरा क्या मतलब है, वो सिंगर जिसके गाने आपको पसंद हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, या उसके जैसा नहीं बनना चाहते हो फिर भी उससे सिमिलर ही आप कुछ करना चाहते हो, या उससे यूनिक कुछ करना चाहते हो। एक इंस्पिरेशन जरूर होना चाहिए आपके पास। जैसे मैं अपनी बात करूं तो आई लव सिद्धू मूसेवाला। अब मैं अगर सिद्धू मूसेवाला की बात करूं तो इनका भी एक आइडल था जिन्हें वो टूपाक कहते थे, और टूपाक भी एक ऐसे सिंगर थे जो काफी लेजेंड सिंगर थे, और सिद्धू मूसेवाला भी काफी लेजेंड सिंगर थे। इनके जैसे सिंगर कई हो सकते हैं पर इनके जैसा कोई राइटर नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक आइडल होना चाहिए, वो अरिजीत सिंह हो सकते हैं, वो बी प्राक हो सकते हैं, वो दर्शन रावल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सेकेंड चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, आपने सुना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बारीकियों को आप समझ पाएंगे सिंगिंग के अंदर। तो कंपटीशन इसमें आज काफ़ी ज़्यादा है, और उस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिस होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना अधिक प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आप चमक सकते हैं। थर्ड चीज़ की बात करें तो यहाँ केवल प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वो ये कि आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आप उससे क्या सीख रहे हैं, क्या चीज़ आपको समझ में पड़ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 4 की बात करते हैं। अब किसी भी म्यूज़िक को अगर आप सुनते हैं तो उस म्यूज़िक को सुनते हुए आपको सबसे पहले तो ये गौर करना है कि उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी गाना हम सुनते हैं तो आपने शायद कभी ना गौर किया हो, पर मैं हर म्यूज़िक में ये गौर करता हूँ कि उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं। क्या उसमें फ्लूट यूज़ किया गया है, या उसमें गिटार यूज़ किया गया है, बेस किस तरीके का है उसमें। एक एक चीज़ को नोटिस करिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली म्यूज़िक क्या होता है। आपकी आवाज़ तो एक यूनिक चीज़ है, पर उस आवाज़ में चार चांद लगाने के लिए म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किस जगह पर कौन सा म्यूज़िक होना चाहिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें तब आप समझ पाएंगे जब आप म्यूज़िक को केयरफुली सुनेंगे। नंबर 5 की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक सिंगर बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने आवाज़ का भी ख्याल रखना होगा। कई बार हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिन वजह से हमारी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या प्रॉब्लम हो जाती है आवाज़ में। खांसी जुखाम जैसी चीज़ें हमारे आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ देती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको गर्म पानी से गरारे करने होंगे, नमक वाले पानी से गरारे करने होंगे, और तीखा अगर आप खाते हैं तो उससे आपकी आवाज़ मधुर होती है, मीठी होती है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा यहां पर, क्योंकि अगर आप सिंगिंग लाइन में आते हैं तो आपका एकमात्र खजाना होगा, और वो होगा आपकी आवाज। नंबर 6 की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ यूनिक है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, तो केवल आप उसी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आपको एक गुरु ज़रूर चाहिए होगा, जिसके लिए आप अगर 12th पास हैं तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन में BA म्यूज़िक वोकल कोर्स कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक यहाँ पर 12th भी नहीं किया है तो आप यहाँ पर किसी म्यूज़िक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, नियरेस्ट जो भी आपके हो। आप उस म्यूज़िक क्लास को ज्वाइन करने के बाद अपने आप में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं म्यूज़िक वोकल्स के लिए। नंबर 7 की बात करते हैं। अब क्योंकि आप कैरियर ही इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस फील्ड में छोटी से छोटी एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं, या कॉलेज में हैं, या कहीं ऑफिस में हैं, तो कोई भी अगर फंक्शन होता है तो आपको उस फंक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। खासकर अगर सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है कोई, तो आपको उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्किल निखर कर आएगी,
आप पब्लिक के सामने किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं आपको वो पता चलेगा। अगर 100 लोग 200 लोग या 1000 लोग आपके सामने खड़े हैं तो आपकी आवाज़ उनके सामने निकलेगी या नहीं निकलेगी, आपको इस चीज़ का पता लगेगा। नंबर 8 की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो केवल आप अपनी आवाज़ पे ही निर्भर नहीं रह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना भी आपको आना चाहिए। आपको गिटार, फ्लूट और इसी के साथ में पिच, स्केल, बिट्स, हारमोनियम, इन सारी चीज़ों को प्ले करना आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें प्ले करना आप सीखेंगे एक म्यूज़िक क्लास में, इसलिए आपको कहीं म्यूज़िक क्लास ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, नंबर 9। अगर आप सिंगिंग लाइन में आना चाहते हैं और आपकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि फ्यूचर में कभी भी आपको स्मोकिंग जैसी हैबिट नहीं डालनी है। अगर सिगरेट वगैरह आपने पीना स्टार्ट कर दिया तो वहीं से आपकी आवाज़ की बर्बादी हो जाती है, फिर आपका आवाज़ बिल्कुल भी मधुर नहीं रह जाएगा, वो एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। तो अगर आपको अपने आवाज़ को स्वच्छ रखना है, मधुर रखना है, तो आपको स्मोकिंग जैसी हैबिट से 100 कोस दूर रहना पड़ेगा। स्मोकिंग से मेरा मतलब केवल सिगरेट नहीं है, आप हुक्का भी पीते हैं वो भी उतना ही नुकसान करता है। अगर आप किसी और प्रकार का भी स्मोक अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो भी उतना ही नुकसान करता है। एंड अब फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पॉइंट नंबर 10 की। अपना खुद का सॉन्ग लिखने का प्रयास करिए और उसके बाद उसे रिकॉर्ड भी करवाइए। रिकॉर्डिंग का कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, आज कंपटीशन है स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में इतना ज़्यादा कि वो लोग आपस में ही इतने ज़्यादा कंपटीशन के वजह से रेट अपना कम रखते हैं। तो आप अगर अपना खुद का कोई सॉन्ग पूरा लिखते हैं, आपको म्यूज़िक वोकल्स के बारे में पता है, आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, तो आप खुद से अगर किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाले के पास जाते हैं तो उसे प्रेफर करेंगे कि मुझे किस टाइप के बीट पे अपना कौन सा सॉन्ग रिकॉर्ड करवाना है। आप अपने लिखे हुए सॉन्ग को मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार या 7 हज़ार तक में आसानी से रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उसके बाद आप सॉन्ग की वीडियो भी बनवा सकते हैं। बट वीडियोग्राफी डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी में पैसा लगता है, म्यूज़िक रिकॉर्ड करने में भले इतना पैसा ना लगे। म्यूज़िक रिकॉर्डिंग आप किसी लोकल स्टूडियो से अगर करवाते हैं तो कम पैसे पड़ेंगे, अगर आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पर यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप किसी भी नियरेस्ट लोकल स्टूडियो से अपने म्यूज़िक्स को बनवा सकते हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। कोशिश करिए अपना एक YouTube चैनल बनाइए और उस YouTube चैनल पे अपने सॉन्ग्स को अपलोड करना शुरू करिए। और अगर आपको किसी कंपनी का लेबल मिल रहा है तो सबसे बेहतर है, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप अपने सिंगिंग का सफ़र तय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।